की एक बात यह कि बिजली के तारों से हुई मौतों को तो ऐसे ले लिया जाता है कि जैसे बस जान गंवाने वालों की किस्मत खराब थी। अभी दिल्ली के रोहिणी में जान चली गई, उस दिन आंध्र में दो छोटे बच्चों को सड़क पर करंट लग गया था, कुछ दिन पहले दिल्ली में एक बच्चे की खेलते हुए बॉल पानी में चली गई तो वहां उसको करंट लग गया था, दिल्ली के मुखर्जी नगर में आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे लड़के को सड़क पर लगे गेट में करंट लग गया था, पिछले साल याद है एक महिला को नई दिल्ली स्टेशन पर करंट लग गया था। रोज हो रहा है ये, बारिशों में निकलना ही नहीं है क्या? और रोहिणी में बाहर निकले ही नहीं थे वो, उनके मकान में बारिश का पानी आ गया, उसमें करंट दौड़ गया। बताइए, कोई इक्का दुक्का घटनाएं नहीं हो रही हैं ये। पिछले 10 साल में 1,00,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं देश में, लोग ऐसे 1,00,000 लोग 10 साल में, कभी बिजली का नंगा तार सड़क पर गिर गया, कभी खंबे में करंट आ गया, बारिश में पानी में करंट दौड़ गया, बच्चों की जान जा चुकी है कई बार। पानी में करंट है ये कैसे पता चलेगा जब आजकल घरों में शॉर्ट सर्किट होने पर एमसीबी ट्रिप हो जाती है, सप्लाई बंद हो जाती है, तो ये बाहर खुले में करंट कैसे दौड़ता रहता है तारों में, वहां क्यों नहीं सिस्टम हो सकता? पानी में करंट जाने पर पूरी लाइन का करंट ऑटोमेटिक कट ऑफ क्यों नहीं कर सकते? रोज 3 दर्जन लोग मर रहे हैं देश में, रोज 3 दर्जन लोग मर रहे हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये बिजली फ्री बांटने के वादों में क्या यह भी शामिल है कि सड़कों पर और जमा हुए पानी में भी फ्री की बिजली दौड़ रही है और पब्लिक देखे कि कैसे बचना है? और बताओ बच्चे कैसे बचना है बताओ? हाथ में सब लोग टेस्टर लेकर चलें क्या कि चेक करते रहें कि पानी में करंट तो नहीं है? पब्लिक कैसे चेक करेगी कि करंट है? या जब किसी को करंट लग जाएगा तभी पता चलेगा कि यहां नहीं जाना, यहां तो करंट है? लोगों को ही जिंदा इलेक्ट्रिक टेस्टर बना रखा है आपने। इसमें भी बिजली कंपनी वाले और बिजली विभागों वाले कह देंगे कि अवैध कंस्ट्रक्शन हो जाता है, तारों के करीब हो जाता है, जगह जगह खुदाई कर दी जाती है उनको बिना बताए, कोई अपने मकान की बालकनी आगे बढ़ा देता है, कोई छत को हाई टेंशन तार के पास ले जाता है, वगैरह वगैरह। ये सब हकीकत भी है, होता है, लेकिन आप लोग अलग अलग अपने विभाग चला रहे हो तो ये पब्लिक देखे। बिजली वाले कह देंगे कि नगर पालिका वालों को बोलो, नगर पालिका वाले कह देंगे पीडब्ल्यूडी विभाग को देखना चाहिए था, पीडब्ल्यूडी वाले कहीं और धकेल देंगे। जान भी पब्लिक की जाए और फुटबॉल भी पब्लिक ही बने, और केस में धाराएं कौन सी लगेंगी? लापरवाही की। अरे जानबूझकर नहीं जान लिया आपने, लेकिन जान तो गई ना। रोजाना अगर देश भर में 3 दर्जन लोगों की ऐसे जान जा रही है रोजाना, तो बस वो भुगते हैं जिनके अपनों की जान गई। किसी भी जांच में किसी अधिकारी का दोष निकला है कभी? ये कोई आसमानी बिजली नहीं है, आसमानी बिजली गिरने से नहीं मर रहे लोग, ये आपकी सप्लाई की हुई बिजली में मर रहे हैं। हाई पावर तारें आपने लटका रखी हैं शहरों में दुकानों मकानों के करीब से जाती हुई, वो आपको नहीं दिखता। जंक्शन बॉक्स खुले पड़े रहते हैं, उनसे पब्लिक को ही बचकर निकलना है। उल्टे सीधे तार बेतरतीब तरीके से जो खींच लेते हैं लोग, उनको बस नोटिस भेजकर खाना पूर्ति कर दिया आपने, तो हो गई आपकी, अब हो गया आपका काम खत्म। या इसमें भी जब कोई बड़ा आदमी झटका जलेगा तब कुछ करोगे आप? अरे खुद बिजली वालों की जान तक जा चुकी है कितनी बार, लेकिन आम पब्लिक की जान जाने पर कुछ करना ही नहीं है क्या? किसी अधिकारी को करंट लगने का इंतजार कर रहे हो क्या? तभी लगेगा झटका। 100 बात की एक बात।